Hello friends, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started the topic of digital electronics from the subject basic electrical and electronics engineering. Last ke jo kuch videos the, usme we have already studied about the number systems and we have also studied about the conversion between these number system. Agar aap logo ne wo videos na dekhi ho, to please wo videos dekh lijiye. Mere channel ki BEEE naam ki playlist mein aapko इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी. ओके, सो इन दिस लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द कन्वर्जन मेथड. मैंने स्टूडेंट्स से बोला था कि अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. तो ज़्यादा कोई ऐसे डाउट्स आए नहीं हैं स्टूडेंट्स के, इसलिए मैं सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं सॉल्व कराने वाली हूँ. कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो मैं उनके लिए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाने वाली हूँ. और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे थेवेनिन्स थ्योरम और मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोला था, तो वो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स तब कराऊंगी जब मैं थेवेनिन्स थ्योरम का जो लेक्चर जो है वो मैं डालूंगी अपने इसमें चैनल में, तब मैं आपको थेवेनिन्स थ्योरम और मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं करवाऊंगी. फिलहाल हम नंबर सिस्टम और उनके कन्वर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल we have a binary number, that is 110110, and we have to convert it to decimal number. So as I have already told you ki hum jab binary number ko decimal number mein convert karenge to hum agar wo number fraction nahi hai wo whole number hai to hum right se left ki taraf jayenge aur har number ko 2 ki power se multiply karenge, yani increasing power se multiply karenge. Jaise yahan pe agar main dekhu 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 टू द पावर 3, 4 एंड 5. हमने हर नंबर को उसकी पर्टिकुलर जगह के हिसाब से जो है वो पावर से मल्टीप्लाई किया है. तो जैसे हम देखें यहाँ पे 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा. 1 इंटू 2 टू द पावर 1, देन 1 इंटू 2 टू द पावर 2, देन यर 0, अगेन इट विल बी 0 ओनली, देन 2 टू द पावर 4 इंटू 1 एंड 2 टू द पावर 5 इंटू 1. ओके, तो इस तरीके से पहले हमने किया है, फिर इन सबको हम ऐड कर देंगे. तो दिस इज 0, देन प्लस 2, प्लस 4, प्लस 0, प्लस 2 टू द पावर 4 इंटू 1 इज 16, देन 2 टू द पावर 5 इंटू 1 इज 32. सो व्हेन वी ऐड ऑल दीज नंबर वी विल गेट द करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर, दैट इज 54. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ. जब आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा तो पहले हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे और 2 की इंक्रीजिंग पावर्स से हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उनको आपस में ऐड कर लेंगे, देन वी विल गेट द करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर. सो जैसे कि हमने इस एग्जांपल में किया हुआ है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है और हमें उसको एक ऑक्टल नंबर में चेंज करना होगा. ऑक्टल नंबर में चेंज करना ये कैसे पता चला? हमको यहाँ पे बेस जो है वो 8 दिया हुआ है और ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है. तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को डबल लेवल मेथड बताई थी. डबल लेवल मेथड हम यूज करते थे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए. उस डबल लेवल मेथड में हम जो गिवन नंबर है उसको 2 से डिवाइड करते जाते थे और जो रिमाइंडर्स होते थे वो हम अलग नोट करते जाते थे. तो सिमिलरली हम यहाँ पे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए भी करेंगे. जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ इतना होगा कि 2 से डिवाइड करने की जगह हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे. सो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 से डिवाइड किया है. नंबर वॉज 1375. इसको जब हम पहली बार 8 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 1, इट विल बी डिवाइडेड बाय 171 एंड द रिमाइंडर विल बी 7. ओके, देन अगेन दिस 171 विल बी डिवाइडेड बाय 8, विल गेट द क्वेश्चन 21 एंड द रिमाइंडर विल बी 3. अगेन वेन विल डिवाइड दिस 21 बाय 8 विल गेट द क्वेश्चन 2 एंड द रिमाइंडर विल बी 5. एंड देन अगेन वी हैव गॉट लास्ट 2, we will again divide it by 8 and we'll get 0. Some of the students have also asked me questions like कि मैम ये तो 2 तो जो है वो 8 से कम है तो हम इसको फिर से क्यों डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया भी था कि हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा जो क्वेश्चन है वो 0 नहीं आ जाता. ओके, तो अगर हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और फाइनली हमको 8 से छोटा नंबर मिलता है तो हम उसको एक बार और डिवाइड करेंगे और उसको हम 0, यहाँ पे जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते जाएंगे. ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको जो रिमाइंडर्स हैं वो मिल गए. मैंने आपको बताया था कि इसको हम डाउन टू अप रीड करेंगे और जो भी वो हमारा आंसर आएगा वो हम लिख देंगे. जैसे यहाँ पे अगर मैं डाउन टू अप रीड करूँ तो इट विल बी 0, 2, 5, 3, 7,
ओके सो दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. फिर से एक बार बताती हूँ, मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए डबल लेवल मेथड का यूज किया है, जिसमें हमने कंटिन्यूअसली 8 से उस नंबर को डिवाइड करते गए हैं. कब तक? जब तक हमारा क्वेश्चन जो है वो जीरो ना आ जाए. और उसके बाद मैंने डाउन टू अप जो है वो रिमाइंडर्स को रीड किया है, और वही मेरा करस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर है. ओके देन सेकेंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव गॉट अ नंबर दैट इज इन बाइनरी नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल नंबर. तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि हमें अगर बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम सबसे पहले बाइनरी नंबर के तीन तीन के पेयर में हम उनको डिवाइड कर देते हैं. अब क्वेश्चन अराइजेस कि हम तीन तीन के पेयर में कहाँ से डिवाइड करें, हम राइट टू लेफ्ट जाएं या लेफ्ट टू राइट जाएं. तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा नंबर जो है वो होल नंबर है, या मैं बोलूं अगर वो मिक्स नंबर भी है, तो पॉइंट के जो लेफ्ट में नंबर होगा हम उसमें राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे, और पॉइंट के जो राइट में नंबर होगा उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. तो यहाँ पे फिलहाल मिक्स नंबर तो है नहीं, ये होल नंबर है, तो हम इसमें राइट टू लेफ्ट जाएंगे और हम तीन तीन के पेयर्स बनाएंगे. जैसे यहाँ पे 0 1 1 1 0 1 और फिर हमारा सिर्फ एक ही नंबर बचता है 1. तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास पेयरिंग के लिए नंबर ना हो तो हम उसमें 0 ऐड कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे सिंगल नंबर 1 था, तो हमको इसकी तीन की पेयर करने के लिए 2 जीरोज ऐड करने पड़े. सो अब हमारे पास तीन के अलग अलग पेयर हो गए, 0 1 1 1 0 1 एंड 0 0 1. ओके इसके बाद हमें क्या करना था, इन पर्टिकुलर जो पेयर हमने बनाए उनको इंडिविजुअली हमको जो है वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था. जैसे कि 1 यहाँ पे हम और डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा ही, हम 2 to the power 0 2 to the power 1 और 2 to the power 2 से हमने इनको मल्टीप्लाई किया, देन इंडिविजुअली ऐड किया और हमको नंबर जो है वो मिल गया. जैसे हमने इसमें देखा जाए 0 1 1 2 to the power 0 2 to the power 1 और 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई जब हमने किया, तो ये तो 0 का 0 रहा, ये 1 into 2 is 2 and 1 into 1 is 1, तो यहाँ हो गया हमारा 2 plus 1. सिमिलरली यहाँ पे जब हमने किया तो विल गेट 4 plus 1 एंड यहाँ विल गेट ओनली 1, बिकॉज यहाँ पे तो ये तो शुरू के दो टर्म 0 ही है, तो उनसे कुछ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा. और यूनिट प्लेट्स में जो है वो हमारा 1 है, तो 1 into 2 to the power 0 is 1. फाइनली हमको हमारा आंसर मिलता है, दैट इज 153, जो कि हमारा इस डेसिमल नंबर से हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया है. तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेसिमल से हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट, जो ये मैं मेथड आपको बताने वाली हूँ, ये सेम मेथड हमारी यूज होती है अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना हो या डेसिमल से हमें ऑक्टल में कन्वर्जन करना हो. तो ओनली डिफरेंस इज कि जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो जो हम यहाँ पे काम 16 से कर रहे हैं वो हम 2 से करेंगे, और अगर हम जब ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो जो काम हम यहाँ पे 16 से कर रहे हैं वो हम 8 से करेंगे, यानी 16 जो है वो 2 और 8 से रिप्लेस हो जाएगा. तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मिक्स नंबर दिया हुआ है, तो हम इस मिक्स नंबर को जब भी सॉल्व करते हैं है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला पॉइंट के पहले वाला नंबर और देन सेकंड पार्ट जो होगा वो पॉइंट के बाद वाला नंबर होगा, यानी रैशनल पार्ट. तो जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है उसको हम डबल डबल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सेकंड में किया था. क्वेश्चन सेकंड में हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने इसको 8 से कंटिन्यूअसली डिवाइड किया था, लेकिन अब हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 16 होता है, इसलिए हम इसको 16 से कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे और प्रोसेस सेम रहेगा. हम उसका रिमाइंडर जो है वो अलग से नोट करते जाएंगे और उसको फिर हम रिवर्स डायरेक्शन में यानी डाउन टू अप पढ़ेंगे और लिख देंगे. तो जैसे इधर में मैं देखूं 374 इज द गिवन नंबर, वी विल डिवाइड इट बाय 16 कंटिन्यूअसली. सो 16 से जब मैंने पहली बार डिवाइड किया वी गेट क्वेश्चन 23 एंड द रिमाइंडर इज 6. देन अगेन व्हेन आई डिवाइड दिस 23 बाय 16 वी गेट रिमाइंडर 7. एंड देन अगेन एज आई हैव सेड कि अगर लास्ट में आपको ये तब तक रिपीट करना है जब तक आपका क्वेश्चन 0 ना आ जाए. तो अगर यहाँ पे हमारा 1 आया तो हमको यहीं पे रोकना नहीं है, हम इसको अगेन एक बार डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन हमारा 0 हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर है जो 1 आ जाएगा. तो हमारा जो इस होल नंबर का जो डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है उसका जो कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वो आता है 176. इसको हम 0176 भी लिख सकते हैं, जैसा कि डेसिमल नंबर में होता है हम उसके पहले कितने भी जीरोस लगा दे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हर नंबर सिस्टम में ये बात होती है. ओके देन अगेन अब इसका फ्रैक्शन पार्ट की बात आई, फ्रैक्शन पार्ट में भी मैंने आपको समझाया था अपनी वीडियोस में कि हम अगर फ्रैक्शन पार्ट डेसिमल को हम ऑक्टल या बाइनरी या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते जाते हैं अपने गिवन बेस से, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हम लिखते हैं और जो कैरी होती है हम उसको नोट करते हैं. जैसे डबल डबल मेथड में हमने रिमाइंडर नोट किया था, हम
इधर पे क्या करते हैं, कैरी नोट करते जाते हैं. ओके, तो जैसे यहाँ पे गिवन है फ्रैक्शन नंबर इज 0.37, जिसको हमने पहले 16 से डिवाइड किया तो सॉरी 16 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 5.92. यहाँ पे 0.92 जो था वो हमने यहाँ लिखा उसको एज आंसर, और 5 जो हमारी कैरी थी उसको हमने अलग से नोट कर लिया. देन अगेन दिस 92 इज मल्टीप्लाइड बाय 16 एंड वी गेट 14.72. 14 इज रिटन इन 14 इज द कैरी एंड देयरफॉर इट इज रिटन सेपरेटली. एंड देन अगेन वी हैव कंटिन्यूड दिस प्रोसेस टिल द 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. हमारा जो कैरी आए हैं वो आए हैं 5, 14, 11 एंड 8. और हम ये बात जानते हैं कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें हम 0, 1, 2 to 9 डिजिट्स यूज करते हैं, देन ए बी सी डी ई एंड एफ ये अल्फाबेट्स यूज करते हैं. तो इसमें जो ए होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 10, बी इज इक्विवेलेंट टू 11, सी इज इक्विवेलेंट टू 12, डी इज इक्विवेलेंट टू 13, ई इज इक्विवेलेंट टू 14 एंड एफ इज इक्विवेलेंट टू 15. तो अगर हमारा यहाँ पे कैरी जो है वो 14 आया है तो हम इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे और इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो है ई, तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया. और हमारा ये कैरी 11 आया है, 11 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर इज बी, तो यहाँ पे हमारा बी आया. एंड देन हम इसको अप से डाउन रीड करेंगे. ओके, इस ये याद रखेंगे सब, इसको हम अप से डाउन रीड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 5EB8. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, सो करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 374.37 का जो करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो होगा 176.5EB8. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल्स जो है वो समझ में आए होंगे. और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल हो जो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक हो डेटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जरूर इसके बारे में हेल्प करूंगी. यू कैन हैव माई ईमेल आईडी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू.